मैं और लड्डू जाएंगे घूमने अकेले अनिल को छोड़ के। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यन व्लॉग्स। कैसे हैं सभी? होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। और वही सुबह का टाइम हो चुका है और मैं इस रूम में आ गई, क्योंकि हम मैंने आपको बताया था हम रात को वहाँ बाहर सोए थे। अभी टाइम हो चुका है 8 बजे का और मुझे उठे हुए आधा घंटा ही हुआ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई बट कोई बात नहीं, और उठे हैं अभी, बस ठीक वगैरह करते हैं, बाहर से जितने भी बिस्तरे हैं उनको उठाते हैं और अपना वेट चेक करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अपनी पूरी शिद्दत से, जितनी शिद्दत से हमने कल बाहर का जंक फूड खाया धड़ाधड़, वैसे ही आज वापस से बैक टू रूटीन आ जाएंगे और सारी चीज़ें वापस से शुरू करते हैं पूरे 10 दिन के लिए या 1 वीक के लिए। 21 तक हमें देखना है हमारा वेट कितना कम होगा। होप अगर हम अच्छे से डाइट करेंगे, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, तो हमारा वेट 7 kg यानी कि 3 kg जो कि बच चुका है वो हो जाएगा, होप हो जाए। तो चलो बाकी अभी यानी वेट करें, मैं दिखा देती हूँ, मैं भी करूँगी और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी मैं पी रही हूँ सुबह सुबह, आज से यानी कि मैंने अपनी डाइट में ऐड की है मॉर्निंग ड्रिंक। तो भाई हम सिंपल प्लेन वाटर पीते आ रहे थे सुबह सुबह, और अब से मैंने स्टार्ट किया है जीरा वाटर, आज से ही किया। मुझे इसका स्वाद बहुत ही गंदा लगता है लेकिन मैंने आज शुरू कर दिया है। ऐसा बोला जाता है ये बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा है, और सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक्स या नॉर्मल अगर आप ल्यूक वार्म वाटर भी पीते हैं तो वो आपके बेली फैट के लिए अच्छा रहता है। तो मुझे बेली फैट का ही इशू है, तो मुझे बेली फैट ही कम करना है। दूसरी चीज़ ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, तो वेट लॉस अपने आप होता है। सभी बेड वेड सेट करके और किचन के फ्रिज के ऊपर से आज मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, बस उसके बाद करते हैं धीरे धीरे काम। पानी लगा दिया है और ये पीते हैं। स्वाद तो थोड़ा सा ऐसे ही, बट मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लिया, उसको थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो पिया जा सकता है, बाकी कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो चलो शुरू कर देते हैं पीना और फिर मिलते हैं आप लोगों से। वैसे यहाँ से सब सेट है भी और इधर चलते हैं, ये सब मैंने सही किया था, सब ऑल सेट। इतनी मस्त धूप आई है, बाहर मैंने डाल दिया भाई गद्दे क्योंकि बहुत क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है, मेरा पानी गर्म हो चुका है। अभी 9 बजे है और मैं फटाफट से जा रही हूँ नहाने, और भाई इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ गई ना देखो। तो अभी ना 8:30, अब तो बहुत लेट हो गया है, 8:30-7 बजे हमारे बालकनी में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ जाती है, तो बस इसलिए मुझे अब थोड़ा सा और जल्दी चीज़ें करनी होगी। आज मेरे पास टाइम है, अनी है 1 बजे तक घर पे, उसके बाद अनी जाएंगे, थोड़ा सा लेट आज, तो बस अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फटाफट से नहा के आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस अभी हम आ गए हैं ऊपर, भाई टाइम हो चुका है 10:15 का, और पूजा मैंने कर दी थी, लड्डू भी नहा चुका है, मैं भी नहा चुकी हूँ, अनी भी नहा चुकी है। और अभी हम छत पे क्यों आए हैं, अभी हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है लेकिन ऊपर आ गए क्योंकि धूप बहुत तेज़ आई हुई, और धूप का फ़ायदा उठाने के लिए हम आ गए ऊपर। और आज अनी भाई गेहूँ धो रहे हैं थोड़े से, इसलिए छत पे आ गए, और आँख भी नहीं खुल रही, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई, लग रहा है सच में गर्मी आ गई है। तो बस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, तब में धोएंगे, अभी मतलब पानी डाल रहे हैं। अरे रानी, ये है कलाकार और ये है काम। चलो जी मिलते हैं आप लोगों से, और आँख भी नहीं खुल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बस मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सुखा दी हमने यहाँ पे, है नीचे, और आने के बाद मैंने बनाई है स्मूदी। अनी तो भाई पी चुके, अनी के इतना सबर नहीं है कि वो देख रुक जाए, बनाना प्यूरी और लड्डू यहाँ पे अब खाएगा, देखो आधी खिला दी। उसके बाद मैं खाना की तैयारी करती हूँ, बहल कैसे हो गई, और उसके बाद भैया आज मैं और लड्डू जाएंगे घूमने अकेले अनिल को छोड़ के। तो आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ जाएंगे, अभी मैं फटाफट ये पी लूँ, उसके बाद खाना बना के खा के फिर चलते हैं, खाने का टाइम। और आज मैंने बनाई आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, ये मेरे खीरे हैं, ये अनी के हैं, और ये रोटी है, दोनों की सब्ज़ी है। लड्डू अंदर सो गया, और भाई ये सारा खाना मैंने सिर्फ आधे घंटे में फटाफट से बना दिया क्योंकि मुझे जाना है। कौन मेरे साथ जाएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, लड्डू भी साथ जाएगा। तो अभी जा कहीं भी जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं पेट पूजा कर लूँ, जिससे कि बाहर का बहुत ज़्यादा ना खाएं, कोशिश करेंगे बिल्कुल ही ना खाएं। तो फटाफट से भी खाना खा लेते हैं, फिर मुझे रेडी भी होना है, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है जी। तो चलो जी, आज हम आए अपने पास के ही एक गुरुद्वारे में, जो कि है नानक प्याऊ गुरुद्वारा, जो कि हमारे नियर बाय पड़ता है, और मैं यहाँ पे पहली बार ही आई थी, आप लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पे शूट किया है।
और ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लड्डू भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करा था। हम गए थे सोनाली यार के साथ, सोनाली सोनाली की मम्मी मोनिका, मतलब उनकी पूरी फैमिली, और मैं और लड्डू साथ में गए थे। और इतना ज़्यादा सुंदर था। और इसके बाहर बिल्कुल आप लोग अगर कोई बंगला साहिब गए हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही है ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और गोरी थी। और यहाँ पे हमारी वीडियो शूट करी सोनाली ने। और लड्डू देखो भाई, लड्डू ने यहाँ पे बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चल रहे थे भाई उनका कोई पाठ वगैरह, तो इस वजह से काफी ज्यादा भीड़ हो रही थी और शोर बहुत ज्यादा हो रहा था। तो जगह जगह माइक लगे हुए थे, जिस वजह से लड्डू आवाज़ से थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बैग में जब भी बाहर जाती हूँ, तो अब मैं इसके लिए बिस्किट, लॉलीपॉप्स, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके जाती हूँ, जिससे कि इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होए और ये थोड़ा सा खेल सके। इसके बाद दर्शन करके हम लोग आ गए थे बाहर। यहाँ पे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। उसके बाद हम आ गए थे सोनाली के घर पे, क्योंकि अनी हमें लेने आने वाले थे, तो हम यहीं पे थे। चल कान दे किसने स्वाद चाहिए? मोटी बताओ किसने बढ़ाया ये? मेड बाय मी। मेरी पूरी मेहनत लगी इसमें। गाजर का हलवा मोटी ने बनाया भाई, बहुत गर्म है लेकिन अभी मैं गर्म करके लाई हूँ अवन में। दाल भाटी ले ले, डॉक्टर हलवा खवा दो ना इसे ना। चलो आज पे जी रे ले बना के करूँ। ये आज मोटी ने बनाया हमारे लिए कड़ी चावल। ये मोटी, ये हमारे कड़ी चावल। कभी सोना कभी मोटी। अभी हम ये खाते हैं और अपने घर चलते हैं। अभी टाइम हो चुका है 8 बजे का, बजने वाला है। क्या हुआ लड्डू? क्या हुआ? अरे बंदर चल बाहर, चल बाहर। रोतड़ू ये आई मोनिका तहरान। कम 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 रो रहा है, मिलेगा थोड़ी ना। बाय बाय। सोनाली यार के घर से आ गए थे और यहाँ पे लड्डू सो गया है। आए हुए तो हमें काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर नहीं हुई, 5 मिनट ही हुई है, 8:30 कर चुके हैं। मैं चेंज वगैरह करती हूँ और किचन को थोड़ा सा क्लीन वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। वही रात को अभी मैं पी रही हूँ ये कोल्ड कॉफ़ी। लड्डू सो चुका है, आने के बाद अब मैंने किचन वगैरह क्लीन की थी और अभी टाइम हो चुका है, क्योंकि आज लड्डू पूरा दिन नहीं सोया है। आप लोगों ने देखा ही, वहाँ पे भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। अभी इस टाइम हो चुका है 10:15 का और लड्डू को सोए हुए 1 घंटा हो गया। ये आए थे ना हम सोनाली के घर से, ये तब से सो ही रहा है 8:30 बजे से। तो बस अभी हम भी लेट जाते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी ये पीते हैं। आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज का जो हमारा प्लान था ना, वो एकदम अचानक से बन गया, हमें नहीं पता चला, मुझे नहीं पता था पहले कि मेरे को जाना है वहाँ पे, लेकिन ये सब चीज़ें एकदम से होती है, और एकदम से होती है तो वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। हम प्लान बनाते हैं ना पहले, यहाँ चलेंगे वहाँ, वो नहीं हो पाती है। तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग नियर बाय कहीं पे भी रहते हैं, मैं आप लोगों को बता देती कौन सी जगह थी, क्या नाम था उसका, कौन सा गुरुद्वारा था, नानक प्याऊ, नानक प्याऊ नियर बाय क्या है, घंटा घर के पास अगर आप लोग आसपास कहीं रहते हैं तो बहुत अच्छा है। बंगला साहिब जो जो गया है ना, एज इट इज़ कॉपी, वैसे की वैसी, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है बिल्कुल वैसे ही, और भीड़ आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। बहुत अच्छा है, बहुत मन को शांति देने वाला है। तो मैं कहूँगी आप लोग एक बार ज़रूर जाए, और बहुत अच्छा है बस, और कुछ नहीं। ऐसी ऐसी जगहों पर जाते रहे जहाँ पे मन को शांति मिले, भगवान एक ही है, कहीं भी जाइए मन में भाव होने चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा।
तो बस आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, आप लोगों से कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी सभी को, बाय।